राम राम सभी को, कैसे सब लोग, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठ चुके हैं, रात को हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है और अभी भी बहुत जगह कोहरा लगा हुआ है। पता नहीं लोग मेरे को ऐसे लोग मेरे को देख के क्यों मुस्कुराते, ये देखो। तो गाइस आज मैंने नहा लिया जल्दी और मैं तैयार भी हो गया हूँ। आज मैंने लेयरिंग करके कपड़े पहने हुए हैं और बाकी हाँ, आज मेरा गला थोड़ा सा सही भी हो गया तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियर आ रही होगी। अब मैं जा रहा हूँ अपने काम से राजा रानी पांडाल में भोजन देखने की, भोजन की व्यवस्था देखने। आप लोग भी चलो, आप लोगों को भी फरियाद कराता हूँ। और एक चीज़, आज मेरी फेवरेट चीज़ बनी है गाजर का हलवा। हाय, आज तो मैं भरपूर खाऊंगा। कितना खाता है गाजर वाला भाई? मैं नहीं बताऊंगा। हलवा तो नहीं दिखा सकता, बाकी जब मेरी बत्तल में आ जाओ तब दिखा दूंगा। ये देखो राजा रानी का पंडाल चालू हो गया है, अभी मैं व्यवस्था में लगा था, बाकी पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था। ये देखो सब खाली हो गया, अभी ये भी इधर पूरा राजा रानी सब भरे हुए थे ये सब। तो हेलो गाइस, जो मैंने गाजर का हलवा खा लिया, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ गाजर का हलवा खाया था, बाकी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं खाने में बहुत व्यस्त था। और मैंने कुछ मेरी मौसी के हाथ से खाया, वहीं बैठा रहा था, उनको बेरोजगारी करा रहा था तो उनके हाथ से खाया था, और फिर मैंने कुछ अपने हाथ से खाया था। गाजर का हलवा खाने के बाद में अब हम आराम करने जा रहे हैं और टेम्पो वाले भैया ने मेरे को हटा दिया। दिस इज़ नॉट फेयर, टेम्पो वाले भैया जा रहे हैं आराम करने, तो मिलते हैं आराम के बाद में। हेलो गाइस, तो आराम हमारा हो गया और हम यहाँ पे आ गए थे कथा पांडाल के इधर। तो हमारा हलवा बचा हुआ था गाजर का, तो हमने बहुत सारा बचा हुआ था तो हम उसको प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं। और ये देखो गाइस, हम लोगों का जो हलवा बचा हुआ था ये लगा हुआ है यहाँ पे, हम इसको वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको वितरण करते हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखो ये सब लोग लेते हुए जा रहे हैं। तो गाइस, गुरु की आरती करने के बाद में चाय पीने देखते हैं और आगे चाय पीने अभी। तो चाय मेरे हाथ में आ चुकी है ये देखो, और पीछे का मौसम भी एक नंबर हो चुका है। अब चाय पीने के बाद मैं आ चुका हूँ भोजन पंडाल में, अभी मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाऊँ क्योंकि मेरी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, थोड़े से भी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही थी। खाना खा लिया और सबको खिला भी दिया और अब मैं आ गया हूँ वहीं किशोरी जी के भजन करने, भजन सुनने के लिए। एक और बात, मैंने भी आज किशोरी जी को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट किया था कि वो मैं जो भजन बता रहा हूँ वो सुना दें, अगर वो भजन वो सुना देते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। चलिए तो चलते हैं कथा मंडाल में। चल 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 चल। Yeah.
था कि मैंने रमा किशोर जी को कुछ भजन का बोला था कि एक भजन मेरी पसंद का हो जाए, तो हमारी रमा किशोर जी ने लास्ट में मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और वो भजन जरूर गाया। वो भजन आपने सुनी लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए तो आज का मेरा दिन तो पूरा बन गया, क्योंकि रमा किशोरी जी ने जो भजन मैंने दिया था वो गा दिया है। तो अब हम भी चलते हैं, किशोरी जी भी चले गए हैं, हम भी हमारे सोने चलने हैं क्योंकि थक जाते हैं पूरे दिन में। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए जय श्री राम एंड राधे राधे।